उत्तर प्रदेश चुनाव का पहला चरण फेज़ वन, उसकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। और आप सभी को पहले ही से निवेदन कर दूं कि जिससे किसी प्रकार का अन्य अंदेशा ना हो, लेकिन ये जो है ये हम एक विश्लेषण कर रहे हैं। ये है पोस्ट पोल या एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल, उन तीनों श्रेणियों में नहीं आता है। तो हम पहले फेज़ में क्या हुआ उसकी बात करेंगे और दूसरे फेज़ में क्या संभावना है उसकी भी बात करेंगे, केवल विश्लेषकों की हैसियत से। तो आइए, अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं ओंकार चौधरी जी और अभिषेक तिवारी जी और धीरेन्द्र पुंडीर जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में जाके सपोर्ट कर लें, फॉलो कर लें। सबसे पहले दर्शकों से क्षमा, क्योंकि आज कुछ अपरिहार्य कारणों से विलंब इतना अधिक हो गया। वो कई बार इस प्रकार के कारण हो जाते हैं। और धीरेन्द्र जी अभी भी नहीं जुड़ पाए क्योंकि वो सहारनपुर के रास्ते में थे, इसलिए भी हमने थोड़ा डिले किया कि वो जुड़ जाएं। तो अब हम जिलावार हम विश्लेषण करेंगे, जहाँ तक है वहाँ हम प्रयास करेंगे कि सीटों का नाम ना ले, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं उनका तो नाम लेना ही पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले मेरठ और बागपत से आरंभ करता हूं, ओंकार चौधरी जी से। मेरठ की 6 सीटें, बागपत की 3 सीटें, तो इनके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। संजय जी, मेरठ में 7 सीटें हैं, सात में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और एक शहर की सीट समाजवादी पार्टी की झोली में गई थी 2017 में। इस बार का जहां तक प्रश्न है, इस बार करीब करीब सभी सीटों पर मुकाबला है। कैंट सीट को आप कह सकते हैं कि वो 100% भारतीय जनता पार्टी की सीट है, रही है और शायद रहेगी आगे। इसके अलावा साउथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, इस बार टक्कर है, लेकिन एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही बताया गया है। किठौर में मुकाबला है इस बार, किठौर भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। ये कभी किसी जमाने में हलीम साहब की सीट हुआ करती थी, ये मैं बात कर रहा हूँ अजीत सिंह के समय की। फिर उनके जो बेटे थे परवेज हलीम, वो वहाँ से जीतते रहे। बाद में समाजवादी पार्टी यहाँ काबिज होने लगी और इस बार शाहिद मंजूर के बेटे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, शाहिद। तो शाहिद का अच्छा मुकाबला इस बार हो रहा है, किसी भी तरफ जा सकती है। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि इसको शाहिद मंजूर ही जीतेंगे या भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जाएगी। इसी तरीके से सरधना को लेकर के शुरू में थोड़ा सा उहापोह की स्थिति थी कि संगीत सोम शायद वहां से हार रहे हैं, लेकिन दोपहर बाद जो टर्नआउट हुआ है ठीक ठाक तरीके से, तो अब सरधना पर भी कड़ी टक्कर है और कोई भी जीत सकता है, जो मेरी सूचना है। जहां तक सिवाल खास का प्रश्न है, सिवाल खास में गुलाम मोहम्मद फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने उड़ाई के साहब शुरू में जो नाराजगी थी टिकट के बंटवारे को लेकर के, और प्रत्याशी तो समाजवादी पार्टी का है लेकिन सिंबल लोकदल का दे दिया, और ऑलरेडी वहां पर जो पिछली बार लड़े थे यशवीर सिंह वो बढ़िया लड़े थे, उनको अच्छी मतलब वोटें मिली थी। हालांकि ये सीट जितेंद्र सतवई जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्होंने जीत ली थी, लेकिन इस बार भीतरघात भी है जाटों में, ठीक है बंटवारा है, पिछली बार भी हुआ था। मैं तो एक पूरी सूची लिए बैठा हूँ किस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल को कितना प्रतिशत वोट मिला था 2017 में। कल अभिषेक के प्रोग्राम में मैंने उनमें से कुछ जगहों का बताया भी था दर्शकों को,
लेकिन आप आगे चल करके पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि जिस लोक दल को लेकर के जाट लैंड और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है पिछले 1.5-2 महीने से, उस लोक दल की एक्चुअल में इस पूरे एरिया में हैसियत कितनी है और उसको कितने प्रतिशत वोट मिलते रहे हैं। तो एक बिना मतलब हवा हवाई जो है एक फिजा बनाने की कोशिश हो रही है कि शायद जयंत चौधरी इस बार मोगेम्बो की भूमिका में आ गए हैं या पता नहीं किस भूमिका में आ गए हैं और जाटों ने उनको खुश कर दिया है। तो ऐसा है नहीं एक्चुअल में, जमीन पर हकीकत ये है कि हर विधानसभा क्षेत्रों में जाटों के वोट बटे हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी को 40 से 45% जाट वोट मिलते थे, उनमें 5-6% की कमी आ गई होगी, इससे ज्यादा कमी नहीं है कहीं भी। और जो अदर कास्ट हैं जाटों के अलावा, जो किसानों की अदर कास्ट हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं। उनमें आप सारी कास्ट को ले लीजिए, सैनी है, गुजर है, त्यागी है और बाकी मतलब जितनी भी खेती करने वाली दूसरी कास्ट है वो सब बीजेपी के साथ है। तो केवल जाटों में बंटवारा है और उसको लेकर के जो हल्ला मचा रखा है ये सो कॉल्ड नेशनल मीडिया ने, बिल्कुल एकदम सिर के ऊपर से उतरने वाली चीजें हैं। मेरे अपने गांव में ही जाटों में साफ तौर पर बंटवारा है। कुछ ठीक है, जयंत चौधरी की डुगडुगी बजा रहे हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी पर भी गए हैं और पट्टियां बटी हुई हैं। हमारे यहाँ 3 पट्टियां हैं मुख्यतः, एक खेड़ा पट्टी है, एक पंघाल पट्टी है, एक दरवाजा पट्टी है। पंघाल पट्टी और दरवाजा पट्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, खेड़ा पट्टी जो है वो जयंत चौधरी की तरफ दिखाई दे रही है। इसी तरीके से हर गांव में आपको यही चीजें मिलेंगी। जहां तक हस्तनापुर सीट का प्रश्न है तो हस्तनापुर पर भी इस बार जो है टक्कर बताई जा रही है। पिछली बार खटीक ने ठीक तरीके से ये सीट जीत ली थी। तो मेरठ का तो ये हाल है संजय जी। जी अभिषेक जी, आपकी क्या सूचना? मैंने सर एकदम उलट ये किया है। मेरठ में मैंने 7 में 5 बीजेपी को क्लियर दिया है। गिनाऊं? 7 में 5 आपने क्लियर दिया है, तो कॉन्टेस्ट किस पे है? मैं बता दे रहा हूं, बीजेपी मेरठ कैंट जीत रही है। बीजेपी इस बार किठौर की सीट जीत जाएगी और मिस्टर शहीद हारेंगे। हस्तिनापुर में फाइट है, सरथाना में संगीत सोम जी को लेकर के कल तक कंफ्यूजन था मुझे कि फाइट है क्या है, लेकिन अब संगीत सोम जी निकल रहे हैं, इसमें कोई मुझे शक सुबह नहीं रहा। सिवाल खास में गुलाम मोहम्मद जी को मैंने हराया है, मतलब मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरे पास जो डेटा आया है, सिवाल खास से हार रहे हैं। और सर हस्तिनापुर का मैंने बता ही दिया कि फाइट है वहां पे। मेरठ शहर की सीट हम लोग हार रहे हैं, और हम मेरठ का मतलब हम लोग का मतलब जो मेरे पास डेटा एनालिसिस है उसके हिसाब से बीजेपी हार रही है। मैं अपने आप को सर बीजेपी के पत्र नहीं, मैंने कभी भी कभी आप नहीं सर, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैंने कभी भी अपने आप को पत्रकार की श्रेणी में नहीं रखा है सर। मेरा झुकाव हमेशा ही बीजेपी की तरफ रहा है सर। उस वजह से भी आंकड़े इधर उधर हो जाए कभी कभी, लेकिन ये निष्पक्ष आंकड़ा मैंने निकाला था इस वजह से। और सर इसके अलावा जो है मेरठ साउथ, ये वाली सर फंसी फंसी सी है, ये हो सकता है अब 10 को ही पता चलेगा। तो मैंने अच्छा, तो अब आप जो है बाकी क्लियर दे रहे हैं, मेरठ साउथ जो है उसमें कॉन्टेस्ट है और कैंट जीत रहे हैं, किठौर जीत रहे हैं, 7 में से 5 क्लियर, मेरठ साउथ में कॉन्टेस्ट है। मेरी सूचना मेरठ साउथ के बारे में यह है कि मेरठ साउथ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये क्या बात है, ये मेरी सूचना है। तो यहाँ पर लगभग यथास्थिति। बागपत की बताएं ओंकार जी। बागपत में छपरौली तो इस बार आरएलडी जीत रही है, छपरौली उसने किसी पिछली बार भी जीती थी जी। हाँ आरएलडी, वो एक्चुअल में आरएलडी की सॉलिड सीट है, हालांकि पिछली बार जीत का अंतर बहुत कम था, सम्मानजनक जीत नहीं थी। और बड़ौत और बागपत दोनों सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी के जीतने के चांस है, हालांकि मुकाबला है, दोनों जगह मुकाबला है।
हाँ, पिछली बार तो मार्जिन्स इतनी इतनी थी कि तो बिल्कुल जिसको कहते हैं अप्राकृतिक रूप से अब 26,000 और 31,000 से बड़ौत और बागपत की सीटें जीती गई थी, तो जी जी 26,000 31,000 से तो कुछ कम होगा ही निश्चित रूप से। हाँ और हाँ आरएलडी भी मात्र 3,842 वोट से छपरौली सीट जीत पाई थी, बिल्कुल और जिन्होंने जीती थी वो इस बार भाजपा से लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी सर हाँ छपरौली सीट आरएलडी इस पर अच्छे मार्जिन से जीतेगी। सही है, ये तो है, नहीं तो फिर पूरा का पूरा जो लुटियंस मीडिया जो राग गा रहा है, जाट मुस्लिम एक हो गए, जाट मुस्लिम एक हो गए, मुझे तो ऐसी कहीं सूचना नहीं मिली कि जाट मुस्लिम एक हो गए, जो कहीं कहीं इक्वेशन के हिसाब से कहीं एक साथ वोट पड़ गया तो पड़ गया। कैराना सीट के बारे में क्या विचार है, क्योंकि कैराना सीट में ऐसी सूचना आ रही है कि जो 75% पोलिंग हुई है उसमें लगभग लगभग दोनों पक्षों से बराबर बराबर वोट पड़े हैं, मतलब प्रतिशत जो है दोनों पक्षों का वोट डालने का लगभग बराबर है। ये काफी चौंकाने वाली बात है कि अमूमन हम ये देखते हैं कि साहब की मुस्लिम पक्ष की वोटिंग ज्यादा है, और लेकिन इस बार इन्होंने कवर किया, उसी कारण ये 75% हुआ है, सर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, पिछली बार तो 65-66% ही था। मैं एक बात कहना चाहूंगा सर। कैराना, आपको अगर पश्चिम को इस बार अलग चश्मे से थोड़ा सा देखना है तो हम कैराना सीट से ही देखना शुरू करेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले एक मीडिया का सेक्शन आया जिसने बोला जाट मुस्लिम एक हो गया है, पूरा एकदम बीजेपी गया। जब हम, आपको याद होगा संजय सर, पहली बार 4 महीने पहले जब पश्चिम में गए थे तो मैंने आप ही के चैनल पे कहा था कि इस बार हालात खराब रहे। 2 महीने बाद मैंने कहा कि वो इम्पैक्ट नहीं रह गया, और ओमकार सर ने मुझे कहा था कि बिल्कुल आपने अब सही पकड़ा है कि वो इम्पैक्ट नहीं रह गया। वोटिंग के दिन तक सर ये तय हो गया है कैराना से कि जो पश्चिम में ये लोग ढूंढ रहे थे वो अब नहीं मिला है, तो अब नया राग अलाप रहे कि पूरब में बीजेपी कमजोर है। उस पर बाद में आएंगे। कैराना को समझने के लिए हम समझते हैं कि कन्वर्ट हो गए नाहिद हसन, लेकिन वो थे गुजर, और मृगयंका जी भी वही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बनेगा तो। लेकिन नाहिद हसन के खिलाफ जो पोलिंग हुई है आफ्टर नून सेशन के बाद, स्पेशली दोपहर के बाद, एक जमीन पे मैसेज कन्वे कर रहा है कि नाहिद हसन एक तरफा लीड ले रहा है। उस मैसेज का ये असर हुआ कि एकदम से हालात बदले और खूब ताबड़तोड़ वोटिंग हुई, खास करके महिलाओं के द्वारा। इस पश्चिम के चुनाव को सर जाट महिला, गुजर महिला, या फिर आप ये कह लीजिए पूरे पूरे महिला बदल देगी। खास करके जाटों की महिलाओं ने तो जबरदस्त बीजेपी की तरफ वोट किया है। मतलब हस्बैंड अगर इधर भी जा रहा है तो उसको डांट डपट के लेके, ऐसे कैसे आप योगी के खिलाफ वोट दे देंगे, कल से खाना पीना भी बंद हो सकता है। तो उस तरह की चीजें हैं, और एकदम से मतलब उस चीज ने कैराना को बदल दिया। अब कैराना में अगर इनका गठबंधन, जहां पे 46% मुसलमान है, आपके दर्शक भी इस बात को मार्क करें, अगर 46% मुसलमान वाली सीट अगर ये गठबंधन फाइट पे है, तो आने वाले समय में आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि भविष्य में क्या होगा और आपके दर्शक। बिल्कुल, मुझे लगता है कैराना एक टेस्ट केस है, और कैराना में बिल्कुल नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं, क्योंकि कैराना लगातार कई बार से नाहिद अली जीत रहे हैं या उनकी माता जी जीत रही हैं, तो ये निश्चित रूप से, पिछली बार हार गई हालांकि लोकसभा में, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक टेस्ट केस है। और कैराना के अतिरिक्त जो बाकी 2 सीटें शामली की हैं और मुजफ्फरनगर की 6 सीटें हैं, उसके बारे में पहले मैं ओंकार जी से विचार ले लेता हूँ। देखिए, थाना भवन में और शामली में, शामली में आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ठीक ठाक फाइट है। यहाँ से ये सीट आरएलडी भी निकाल सकती है, जो सूचना आ रही है। और थाना भवन में तो आप धीरेन्द्र जानते जी जुड़ हैं, गए हैं, धीरेन्द्र जी का स्वागत, सहारनपुर से जुड़ गए हैं लगता मुझे। जी जी, थाना भवन और शामली दोनों सीटें जो हैं मेरे हिसाब से डगमग हैं,
शामली जो मेरी ससुराल भी वहाँ पढ़ती है, तो मेरे साले साहब के बेटे हैं, उनसे मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे गांव में क्या रहा है, तो उन्होंने बताया कि साहब नल पर ही ज़्यादा वोट पड़ी हैं। तो शामली क्षेत्र के गांव से अगर ये फीडबैक है तो शामली में इस बार ठीक ठाक टक्कर रहने वाली है बीजेपी और आरएलडी के बीच में। जहां तक थाना भवन का प्रश्न है, थाना भवन से तो कोई भी आश्वस्त नहीं हो रहा है कि सुरेश राणा जो है वो इस बार सीट निकाल पा रहे हैं। सूचनाएं वहां से कोई शुभ नहीं आ रही है। तो तीनों ही सीटों पर आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक टक्कर चल रही है। कैराना पर भी, कैराना पर मृगांका इस बार बताते हैं कि ठीक लड़ रही है। लेकिन कैराना के बारे में मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं आपको संजय जी और दर्शकों को भी। 2017 के चुनाव में यहाँ पर नायद हसन को 47.3% वोट मिले थे, मृगांका को 37.1% और आरएलडी को यहाँ 9.6%। यानी आरएलडी और एसपी दोनों को मिला लें तो ये जो है बैठ जाता है 57% और बीजेपी को 37%, यानी 20% का अंतर अगर हम 2017 के लिहाज से लगाएं। ये जो 20% का अंतर है, क्योंकि आरएलडी और एसपी साथ मिलकर के लड़ रही हैं, इसको पाट पाना इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। इसलिए मेरा कहना है कि शामली जिले की तीनों सीटों पर इस बार टक्कर है। जी धीरेन जी, शामली, शामली जिला आपका माइक म्यूट है म्यूटेड हैं आप। जी। देखिए शामली में मुझे लगता है शामली तो बीजेपी को मिल ही रही लग रही है, ऐसा लगता है कि शामली उनको मिल रही है। थाना भवन में मुझे लगता है कि बीजेपी इस बार मायूस हो सकती है और मायूस मुझे तो लग रहा है कि हो ही रही है। हाँ ये बड़ी चीज है कि क्या ये कैराना का जो 76% वोट है जो वोट बहुत बड़ा है, लेकिन वो दोनों मिलके काफी बड़ी क्या ये एक बहुत बड़ी जीत के लिए तैयारी है या फिर वापस में, चूंकि जो उस समय हुआ था उनके चाचा मतलब एक तरह से कहें हाँ भाई मृगांका के भाई कहना चाहिए, उनका भतीजा अनिल लड़ा था आरएलडी से, तो उसने काफी उनमें भी वो सेंध लगाई थी, वोटर्स भी कुछ मिल गए थे उसको। हालांकि जो ज्यादातर वोट है वहां ज्यादातर 10,000 वोट ही जाट वोट है, जो 10,000 से ज्यादा संख्या उनकी नहीं है। तो ऐसे में ये जो वोट परसेंटेज है वो कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है ये जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि तो कैराना एक ऐसी सीट है जिसको लेकर पूरी राजनीति चलती रही 17 में 19 में और जो है 17 के उसके बाद ही, क्योंकि 16 में हुकुम सिंह जी ने वो जो लिस्ट साया की थी जिसमें 300 350 परिवारों का जिक्र किया गया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ इस बात की पूरी गुंजाइश है कि जितने वोट जिस पार्टी के पास है जितने संभव है उसको 90% तक पोल कराने में कामयाबी हासिल की है दोनों पार्टियों ने। तो लिहाजा ये देखना होगा ये फंसी हुई सीट है और या तो जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा जो गठबंधन है, या फिर ये जो है अगर हम लोग इस तरह से देखें जिस तरह से ओमकार सर ने बताया कि किस तरह से 57-20% का अंतर बैठता है, या फिर ये बहुत ही नैरो मार्जिन से जीत हो सकती है बीजेपी की। तो एक फंसी हुई सीट है जो हमको अभी दिख रही है कि मैं उसको बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं कहूंगा। अभिषेक जी, आपके क्या सोचना है? कह रहा ना, जैसे मैंने बोला सर कि इस पर उम्मीद नहीं थी कि मृगंका जी इतना अच्छा फाइट करेंगे हाँ, वहां पे। पहले हाँ जो है ओपिनियन पोल्स में ये माना जा रहा था कि ये तो एक ऐसी सीट है जो 17 में भी हारे थे और इस बार भी आसानी से, मृगांका चूंकि रिपीट हुई है इसलिए और भी आसानी से हार जाएंगे। अब जो ओमकार सर के पास सूचना थी वही सूचना मेरे पास भी है। टेक्निकली अगर देखें तो 20% का गैप नजर आता है, लेकिन अगर आरएलडी का वोट खास करके उन बयानों के बाद मान लिया जाए कि वो 9% वोट इधर शिफ्ट होता हुआ नजर आए कि भूस भर देंगे, जाटों की हैसियत क्या है, अगर नाहिद हसन हार गया तो, और उसके बाद योगी जी का वो रैली, और तो ये जो बढ़ा हुआ है, और जैसा मेरे मेरे पास सूचना है आफ्टरनून के बाद जबरदस्त पोलिंग हुई है उनके पक्ष में, तो अब ये बहुत ही फाइट हो गया है पश्चिम में।
कैराना की वजह से। और ये बताता है कि सर अगर 46% मुस्लिम बहुल एरिया में गठबंधन अगर स्ट्रगल करने के पोजीशन पे अगर आ जाता है तो हमारा एनालिसिस जो भी कहे रिजल्ट कुछ वैसे और हो सकता है। एक मिनट इंटरप्ट करूं आपको, एक मिनट इंटरप्ट करूं कि अभी जो धीरेन जी ने बात कही थी वो मैं थोड़ा सा संज्ञान में लाना चाहता हूं ओंकार जी के भी, कि जो आरएलडी की जो 9.61% है वो अनिल जो है, जो स्वयं गुजर हैं और इनके जी भाई लगते हैं मृगांका के, 20,000 वोट वो लेके गए थे। तो इसीलिए मैंने बताया। वो जो है ये फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो था एक गुर्जर प्रत्याशी, उसने अधिक जाट वोट लिए थे या नाहिद हसन के पास गए थे, या वैसे भी 10,000 वोट ही हैं बता रहे हैं आप, तो ये फैक्टर भी है इसमें। जी अभिषेक जी, सर ये इसने मृगांका जी को ज्यादा डेंट किया था। अगर ये 9% ये जो वोट है अगर बीजेपी की तरफ वापस ट्रेडिशनली आ जाते हैं जैसे कि हालात बदले हुए हैं, तब मार्जिन क्या रह जाएगा 1% का। और इसी वजह से मैंने इसको फाइट में रखा है। और जो आखिर के समय में पोल हुआ और चूंकि 75% पे बढ़ा है तो ये भी लग रहा है कि इस बार उनके पक्ष में फेवरेबल वोटिंग हुई है। तो जैसा धीरेन्द्र सर बोल रहे थे मुझे अभी भी लग रहा है शायद इस बार कैराना जो है, मैं श्योर नहीं हूं लेकिन शायद बीजेपी के पाले में आ जाए। हमें एक तथ्य और नहीं भूलना चाहिए संजय जी। जी देखिए, कैराना में 2014 में बाबू हुकम सिंह जो हैं वो चुनाव लड़े थे, जी 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 और हुकम सिंह जी को 1,462 वोट मिले थे कैराना से, 48.5%, और नाहिद हसन को 73,833 वोट मिले थे। तो अगर पलटना होगा चुनाव तो इसको पलटते हुए देर नहीं लगेगी। हाँ वही मैं कह हाँ रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल। अब थाना भवन पे आते हैं सर। थाना हाँ भवन में मेरे जानकारी के अनुसार तो मैंने आपसे शेयर भी किया था वोटिंग के बाद सुरेश राणा जी हार गए। और एक मंत्री का हारना मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो सेटबैक है लेकिन कई और पोर्टल्स छनकिया रही कि शायद वहां पे फाइट भी हो जाए तो, लेकिन मैं शोर शोर ठहरा रहा हूँ। हाँ ठीक है, उनका हमारे यहाँ तो एकमत है कि वो हाँ हाँ सीट हारी जा रही है। हाँ मेरा हमारे मेरी यहाँ भी एक यही। पता शामली में बीजेपी फाइट कर रही है। मैंने एज दिया है लेकिन फाइट कर, तो ये पूरा इलाका इस तरह से जाता है मेरी तरफ से। हाँ धीरेन जी की ये सूचना चलिए है कि आपका शायद कहना। बीजेपी जीत जाएगी। धीरेन जी का शामली में मेरी भी सूचना है कि शामली में बीजेपी आगे है। मैंने एज तो दिया है सर, मैं श्योर नहीं कर रहा हूं। चलिए तो हमारे 3 लोग अगर एज दे रहे हैं तो उसको तो फिर मान ही जा जाएगा। और शामली में धीरेन जी जीता हुआ बता रहे हैं निश्चित रूप से। और अब चलते हैं मुजफ्फरनगर की सीटों पर। ओंकार जी देखिए, मुजफ्फरनगर में एक मिनट निकाल देता हूँ, निकाल लेता एक हूँ मिनट मैं मुजफ्फरनगर से। अपने दर्शकों से भी अनुरोध कर लूं और इसको मैं अपने कम्युनिटी पे भी डाल देता हूं कि आप लोगों में से जिसने जिसने भी वोट दिया है जो भी देख रहे हैं, और मैं इसको कम्युनिटी पे भी डाल दूंगा, आप लोगों में जिसने जिसने भी वोट दिया है और जो लोग वहाँ इन क्षेत्रों में पहले फेज में जो हैं वो कृपया हमें व्हाट्सएप पे या हमारी कम्युनिटी पर आकर कमेंट कर दें कि आपके अनुसार क्या हो रहा है। जी ओंकार जी मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं और 6 की 6 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 2017 में, और बहुत सम्मानजनक तरीके से जीती थी। बुढ़ाना में फाइट है उमेश मलिक के और राजपाल बालियान के बीच में, और राजपाल बालियान को तो पूरा सपोर्ट किया है टिकैत बंधुओं ने। टिकैत बंधुओं के कितने वोट हैं वहां वो तो कह जो रहे सिसोली से ही हार रहे हैं वो तो जो मेरे राजपाल पास बाल पूरी पक्की सूचना है कि सिसौली में बीजेपी जीत रही है। हाँ, सिसोली में तो इनके सिसौली विरोधी बहुत हैं, इनके विरोधी भरमार है उनकी, तो वो तो खड़े हैं, वो उमेश मलिक के साथ खड़े हैं। दूसरे, इन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफी की है, मैंने शायद एक बार पहले भी इस प्रोग्राम में बताया था आपके,
कि ये जो गठवाला खाप है और जो बालियान खाप है, ये जो बुढ़ाना से शामली और करनाल को रोड जा रही है, उस रोड के दो तरफ बसे हुए हैं। मतलब इस तरफ मलिकों की खाप है गठवाला, और उस तरफ बालियानों की खाप है जिसके ये चौधरी हैं नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के बड़े भाई। अच्छा, मलिक खाप जो है वो उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी ये है। इन्होंने उमेश मलिक के साथ जो दुर्व्यवहार कराया था सिसोली में, उससे गठवाला खाप जो है वो बहुत नाराज है। हालांकि उसमें इन लोगों ने एक गुट खड़ा कर लिया। पहले बाबा हरकिशन उसके मुखिया हुआ करते थे, अब उनके बेटे हैं चौधरी राजेंद्र। तो राजेंद्र के खिलाफ इन्होंने एक गुट खड़ा किया, लेकिन इन्होंने, राजेंद्र ने और दूसरे लोगों ने सिसोली में ही इनके खिलाफ गुट खड़ा कर दिया, इनके अपने गांव में खड़ा कर दिया। तो वहां पर बहुत दिलचस्प मुकाबला है। उमेश मलिक को अगर बीजेपी चाहती तो बदल भी सकती थी, क्योंकि उमेश मलिक के बारे में तमाम तरह की सूचनाएं बीच में आ रही थी कि भाई उसने नाराजगी मोल ले ली है, उसने गुटबंदी कर दी है, उसने ये कर दिया है, उसने वो कर दिया है। लेकिन बीजेपी ने अगर उसको नहीं बदला है, उसकी जगह किसी दूसरे को नहीं लेके आई है, इसका मतलब ये है कि बीजेपी का नेतृत्व जो है उमेश मलिक को लेकर के आश्वस्त है। उसको पता है कि गठवाला खाप की तो वोट उसको मिलनी ही मिलनी है, उसको बालियान खाप की वोट भी मिलेंगी। तो यहाँ पर इनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, और बुढ़ाना अगर ये खुदा ना खास्ता हार गए तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि जयंत चौधरी ने एक ही टिकट दिया है इनको, इनके कहने पर राजपाल बालियान को उतारा है यहाँ पर। बाकी पूरे जिले में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा टिकट नहीं दिया इनको। तो बुढ़ाना में इन्होंने जोर बहुत लगाया है, पर अगर उमेश मलिक सीट निकाल ले जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। अच्छा, चरथावल की बात अगर हम करें तो चरथावल में भी मुकाबला जो है वो बराबर का ही है। वहां भी जो, अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में आरएलडी को यहां से केवल 7% वोट मिले थे संजय जी, 14,442 मिले थे। और इसको एसपी का जो मुकेश चौधरी था उसको 58,000 वोट मिले थे, 58,815 वोट मिले थे। तो 28% एसपी के और 7% आप लगा लीजिए इनके आरएलडी के, ये मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी से आगे नहीं निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अकेले ही वहां पर करीब करीब 40% वोट मिले थे, 39.6% वोट मिले थे। तो फिर भी ये वहां तक नहीं पहुंचते हैं। तो चरथावल में भी निकल सकती है भारतीय जनता पार्टी। पुरकाजी में भी यही स्थिति है, पुरकाजी में भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी बताया गया है। मुजफ्फरनगर शहर पर कपिल देव, शुरू में उनके बारे में सूचना थी कि थोड़ा हल्के पड़ रहे हैं, लेकिन बाद में सूचना मिली, मैंने जो फीडबैक लिया है, कपिल देव फिर से जीत रहे हैं वहां पर। खतौली में भी जो एक अमर उजाला के वहां पर संवाददाता है, उन्होंने कहा है कि साहब खतौली में भी बीजेपी सीट निकाल रही है। मीरापुर में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि बुढ़ाना में और आपके मीरापुर में दो सीटों पर कड़ा मुकाबला है बीजेपी का और गठबंधन का, बाकी चार सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अभिषेक जी, 5 बीजेपी, 1 मीरापुर जो है वो 5, मैं गिनवा देता हूँ सर। सबसे पहले मैं शामली शुरू कर दूंगा या पुरकाजी शुरू करता हूँ, मेरे पास जो डेटा। पुरकाजी में कल तक हमारे पास सूचना जो छंट पे थी वो फाइट चल रहा था या फिर ये, लेकिन अब क्लियर है कि वहां पे बीजेपी जीत रही है, शामली बीजेपी जीत रही है। बुढ़ाना में सर के पास थोड़ा बहुत हो सकता है कंफ्यूजन हो, पर मेरे अंदर अब कंफ्यूजन नहीं है कि उमेश मलिक जी साफ साफ निकल रहे हैं। इसके अलावा सर, मुजफ्फरनगर कपिल देव जी बहुत अच्छी खासी इस बार हो सकता है जीत अच्छा दिखाएंगे। खतौली बीजेपी जीत रही है, और एक ही वो फाइट वाली सीट जिसको कह रहे हैं, हालांकि मेरे हिसाब से वो
बीजेपी थोड़ा सा वहां पे अंडरडॉग है, मीरापुर। जी ठीक है, अब हम चलते हैं ये जो घनघोर जाट मुस्लिम इलाके से निकल के चलते हैं जो कम घनघोर इलाके हैं। पहले तो हापुड़, हापुड़ के बारे में बताएं। अभिषेक आप बताइए, मैं तब तक दर्द निकाल लेता हूँ। हाँ ठीक है अभिषेक जी आप बता दें। हापुड़ से सर मेरे हिसाब से भाजपा एज में है, और इसके अलावे गढ़मुक्तेश्वर जी जी वहां भी, हाँ वहां भी बीजेपी जीत रही है। गढ़मुक्तेश्वर में तो चौधरी चरण सिंह के वो वंश से हैं, कोई काम नहीं आने वाला नहीं जो बीजेपी के कैंडिडेट। हाँ मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, गढ़मुक्तेश्वर से मैं ये बोल रहा हूँ सर कि हरिंदर जी जो हैं वो तो चरण सिंह जी के भाई के पोते हैं जी। मतलब देखिए हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर के पास मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन, हालांकि ये मेरे पास 15 दिन पहले ही आ गई थी कि यहाँ पे वो कुछ भी काम नहीं आ रहा है किसी का विपक्ष का, और गढ़मुक्तेश्वर से तो बीजेपी अच्छी जीत दिखा रही है सर मेरे हिसाब से। दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक तरीके से जीतेंगी अभिषेक जी। हापुड़ की भी सूचना, हापुड़ की भी सूचना यही है कि हापुड़ से बीजेपी जीत रही है जी जी। और धौलाना में क्या होगा? धौलाना में सर, धौलाना में इस बार बीजेपी निकालेगी। धौलाना सर बीजेपी को मैंने 95% एज दिया है सर, बीजेपी जीत का। और पिछली बार वहां राजपूतों में क्लैश हो गया था, राजपूत वोट बट गए वो, थे वो इस बार सर वहां पे बहुत सारा फैक्टर काम कर रहा है। देखिए धौलाना में न तो इस बार राजपूत का कोई क्लैश काम आएगा और न कोई और। उसका कारण सर, बहुत सारे राजपूतों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं इस बार हम योगी जी के नाम पे वोट करेंगे। और यति नरसिंहानंद फैक्टर तो है सर, तो है। यति जी आगे क्या डासना में है, कहाँ है अभी? यति जी से मेरी लास्ट टाइम परसों बात हुई थी तो वो उत्तराखंड में थोड़ा मार्च वार्च एक और प्लान कर रहे हैं। मैंने बोला कि फिलहाल डासना में आ जाए, थोड़ा उनसे रहा नहीं जाता, कुछ ना कुछ पंगा करते रहते हैं। हाँ बस वही एक बात है, लेकिन ने लगा रखी उनके ऊपर बेल कंडीशन। सर धौलाना के को लेकर के एक और बात बता, तो पिछली बार जो राजपूतों का क्लैश हुआ था, ऐसा नहीं कि इस बार प्रयास नहीं हुआ है, लेकिन राजपूतों में एक पूरे यूपी में बोल रहा हूँ, एक ये मन में अब बात आ गई है कि फाइनली सीएम तो हमारा है, तो विधानसभा में ये विधायकों का क्या टकराव देखना है। हालांकि कुछ जगह पे है पूर्वांचल, पिछली बार भी तो 3,000 के अंतर से बीजेपी रह गई थी। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। धीरेन्द्र जी का भी ओपिनियन ले लेते हैं। हाँ आपका देखिए हम एक तो मुजफ्फरनगर के बारे में ओपिनियन ओंकार जी का और अभिषेक जी का था कि अभिषेक तिवारी, अभिषेक जी जो कह रहे हैं कि 5 बीजेपी जीत रही है, 1 पे कांटेस्ट है, और ओंकार जी कह रहे हैं कि 4 जीत रही है, 2 पे कांटेस्ट है। आपकी क्या सूचना है मुजफ्फरनगर की, आपका ही जिला है? देखिए अभी वहाँ जो है सीधे तौर पर 3 सीटों में बीजेपी आगे है, बाकी पे कॉन्टेस्ट में चूंकि वही है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मुझे लगता है कि चरथावल भी उस कॉन्टेस्ट में है और काफ़ी अच्छी फाइट है वहाँ, हल्की फाइट नहीं कही जा सकती है। अगर आप देखेंगे 1,25,000 मुस्लिम वोट हैं, और पिछली बार जब नूर सलीम राणा 67,000 वोटों के साथ उसने काट लिया था, एक बड़ा हिस्सा चंक उसमें दलित वोट था, लेकिन मुस्लिम वोट भी काफ़ी तादाद, मुकेश चौधरी चूंकि जाट वोटों को कैटर किए थे सपा से, और आरएलडी से ज़्यादा जाट वोटर, मतलब पिछली बार अगर मैं ये कहूँ तो आरएलडी का बहुत ज़्यादा वहाँ, और अभी भी मैं बार बार इस बात पर हम लोग मेरे विचार से मेयर और ओंकार सर एक वो भी कर चुके हैं स्ट्रीम की जाट लैंड जो नाम लिखे गए शब्दों को वहाँ, वो कभी भी ताकत के तौर पर नहीं है वहाँ, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी
हमेशा से ताकतवर रही है। मीरापुर थोड़ा फंसी हुई सीट है, बीजेपी के लिए दिक्कत का बायस हो सकती है। मुजफ्फरनगर बिल्कुल ठीक सीट है इनकी, इनकी खतौली बिल्कुल ठीक सीट है, खतौली में बुढ़ाना ये मुझे लगता है कि इस बार समस्या में है, बुढ़ाना में काफी बड़ी दिक्कत इनको हो सकती है क्योंकि वोट बहुत जबरदस्त तरीके से, और जो ये कहा जा रहा था कि जाट वोट नहीं करेगा जहां उनके साथ मुस्लिम जब एक तरफा करते दिखेंगे, हालांकि कैंडिडेट आरएलडी का ही है तो इसीलिए बहुत ज्यादा उनको वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों से इस बात की कम उम्मीद थी क्योंकि बुढ़ाना उड़ाना इनके तमाम वो गांव है जहां दंगे का आपने सबसे ज्यादा प्रभाव देखा था। शाहपुर वो जगह है जहां सबसे ज्यादा तावली शाहपुर बड़े जहां मदरसे हैं जहां उस पूरे उसमें सबसे ज्यादा लगे थे, तो ये एक कंफ्यूजन हो सकता था। लोग जब कह रहे हैं कि क्या मुस्लिम उन गांव में जहां उनके घर, आप ये सोचिए घरों में धूप जम गई, कड़ी टूटी हुई है, घर जला हुआ है, लेकिन वो उसी गांव में जाके वोट करने गया और वोट आरएलडी को दे आया, तो ये एक मेरा कहना है कि ये सामंजस्य दिख रहा है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। और मुझे लगता है कि वो सीट काफी टफ सीट है, बीजेपी को उस सीट को निकालने में काफी दिक्कतें पेश आएंगी, और बाकी तो मुझे लगता है कि बीजेपी चूंकि मुजफ्फरनगर निकाल ही रही है, उनकी ये जो सीट है ये भी उनकी साफ सीट है, खतौली भी बहुत साफ, शुरू में लग रहा था कि शायद राजपाल सैनी को टिकट देने से सैनी वो हुए होंगे या होंगे, लेकिन एक बात आप को जो इस पूरे मसले में मुझे लगता है बीजेपी की जो रिपीटेशन के लिए जो मुझे लग रहा है जो बात है उसमें ये है कि जो बाकी जातियां हैं, गुजर जरूर आपको कहीं दिखेगा अलग अलग, जैसे अपने उम्मीदवार के साथ वो जेवर में खड़ा है, वहां अगर खड़ा होते हुए दिख रहा है, दादरी में खड़ा है, लेकिन सैनी या वो तमाम जातियां जो बाकी हैं, दीगर जातियों ने बीजेपी को जैसे पार्टी के तौर पर अडॉप्ट कर लिया, उनके अपने कैंडिडेट भी हैं, दो में से छांट रहे, तो वो बीजेपी के कैंडिडेट को ही तरजीह दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है जो बीजेपी को ताकत देगी। इसी तरह से पाल समाज के वोट हैं जो बीजेपी को एक तरफा ताकत देते हुए दिख रहे हैं, तो ये ऐसा मुझे लगता है कि ये सारी चीजों में मुजफ्फरनगर की सीटें चूंकि तीन क्लियर दिख रही हैं, दो बिल्कुल फाइट है और एक मुझे थोड़ा सा दिख रही है, तो आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, इस तरफ जाएंगी या जाएंगी, लेकिन तीन बीजेपी लेके आएगी और एक और दो सीटें वो ले सकती है जिसमें उसके पास एडेड एडवांटेज थोड़ा है, लेकिन बुढ़ाना मुझे इस बार शक है। बुढ़ाना पे शक है, हालांकि ओंकार जी का मत दूसरा है। हाँ मैं सुन रहा था, लेकिन मेरा इसलिए भी है क्योंकि उमेश मलिक को लेकर विरोध भी था, स्थानीय कैंडिडेट को बदलने की बहुत जबरदस्त तरीके से डिमांड की गई थी, और अगर शायद मतलब मैं ये कहूंगा शायद कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो ये लड़ाई और दिलचस्प हो जाती अगर वो चौधरी ही होता। मैंने इसको फाइट में दिखाया है, बुढ़ाना को और मीरापुर को। अच्छा आप धोलाना सीट के बारे में बता दें, वहां का जो राजपूत धोलाना में धर्मेश तोमर के आने से मजबूत तो हुई है बीजेपी, क्योंकि बहुत सारे गांव जो तोमरों के गांव हैं वहां इस बात का बहुत फर्क था, धर्मेश तोमर को लेके उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, और जब मैं लोगों से बात कर रहा था चूंकि मैंने ये सब चीजें इस चुनाव में भी कवर की है, इसीलिए जब मैं पर्सनली पूछ रहा था चूंकि उसी बिरादरी का होने के नाते बातचीत करने का एक अलग थोड़ा सा ये एडेड पत्रकारों को मिलता है, जैसे पंडित जी गांव में जाएंगे तो हम लोग पैर छू के कह रहे हैं पंडित जी हम तो आप ही से हुए, ये मैं एक ट्रेड सीक्रेट है मुझे लगता है नहीं बताना चाहिए, ओंकार सर कहेंगे ये सीक्रेट क्यों बता रहे हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, और जब बिरादरी होते तो हम ये जरूर कहेंगे अरे भाई अब तो घर की बात है, हमारा क्या है, हम तो घर के हैं, तो उन सब में जो चीजें दिखती है वो ये बात बड़ी है, ये एक सोल जेल वाली स्टेट है, बहुत ही बढ़िया सिंक्रोनाइजेशन हुआ क्योंकि धर्मेश तोमर अपने आप काफी लोकप्रिय है, वो घूमता है, वो अंदर तक जाता है, तो उस बात का भी फर्क पड़ता है, कैंडिडेट यकीनन उस पार्टी की जीत में हमेशा योगदान देते हैं जहां अपनी तरफ से 5-10% वोट लेके जाते हैं, तो उस तरह का कैंडिडेट है, लेकिन मुस्लिम वोट बहुत जबरदस्त वोट है और जिस तरह से वोट पड़ा है मैं ये कह सकता हूं, पता नहीं इस तरह का इसको आप मजाक लेंगे स्लर लेंगे या नहीं, कि जो पेट में है बस उसको छोड़ दीजिए तो बाकी सब ने वोट एक तरफा किया है, उस तरह की बातें करनी चाहिए, वो इस तरह का वोट हुआ, ज्यादातर बूथ पर सुबह शुरुआत मुस्लिम वोट ने की है
और लास्ट भी मुस्लिम वोटर ने किया है। तो ये सब चीजें और उसमें कोई डिवीजन नहीं दिख रहा। हालांकि मैं मायावती जी के तमाम टिकटों को जब देखता हूं तो उन्होंने ज्यादा बेहतर तरीके से जातीय संतुलन और धर्म के आधार पर, चूंकि उन्होंने इतने ज्यादा वोट दिए, मुस्लिम सीट दिए हैं, लेकिन वो उनको कुछ भी वोट अगर मिल जाता तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए इजी सेल हो जाती, जो अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन ठीक है, इसको एक अच्छी फाइट में माना जा सकता है, क्योंकि ठीक है कि वो बीएसपी के हिसाब से कोई 10-15 हजार वोट भी काट देंगे तो काम हो जाएगा। हाँ वो है, उतनी है, क्योंकि बहुत सारी सीटें क्लोज फाइट पे ऑटोमेटिक वेस्टर्न यूपी में हो जाती हैं जब मुस्लिम वोट अगर बट नहीं रहा हो। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण है कि धोलाना आप एक अच्छी सीट देख रहे हैं लेकिन बहुत क्लीन जो वो वोट उस तरह का नहीं देखे। तो अब हम आते हैं उन सीटों पर जहां पर मुस्लिम जनसंख्या अब कम हो जाती है। इतनी सीटें जितनी भी हमने अभी चर्चा की वो सब मुस्लिम वो जो ज़िले हैं वो 30-40%, यानी मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, ये सब 30-40% ब्रैकेट वाले मुस्लिम ज़िले हैं। अब जो जिनकी बात अब हम करने जा रहे हैं, यानी गाज़ियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, तो ये जो तीनों ज़िले हैं ये 20% के आसपास यहाँ मुस्लिम आबादी है, और आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा में तो और भी कम है, 10% के आसपास ही है, बल्कि 9% और 8% मथुरा और आगरा में बताई जाती है। अलीगढ़ में 17, बुलंदशहर में 17, गौतम बुद्ध नगर यानी ये नोएडा में 18, गाज़ियाबाद में 21। तो अब इन ज़िलों की क्या स्थिति है? गाज़ियाबाद नोएडा ले लें पहले, आप मेरे ख़्याल से गाज़ियाबाद नोएडा बिल्कुल दिल्ली के पास है, तो धीरेन जी और ओंकार जी तो बिल्कुल इसको अच्छी तरह से समझते ही हैं। ओंकार जी, आपने एक आंकड़ा दिया है तो दूसरा आंकड़ा मैं यहाँ दे ही देता हूँ, जिसकी चर्चा अभी धीरेन जी ने की है। इससे पता चल जाएगा के समाजवादी पार्टी और आरएलडी खड़े कहाँ हैं। तो कुछ जिक्र तो मैंने कल अभिषेक जी के शो में किया था, मैं आपको बताता हूँ कि आरएलडी कहाँ खड़ी हुई है। ये तो जो अभी आपने बताया है मुस्लिमों का परसेंटेज, ये तो हम मान करके चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का है। अब जरा आरएलडी के पक्ष में देख लेते हैं कि कितने परसेंट वोट रहे हैं। 2017 केराना में 9.6, थाना भवन में 6.3, शामली में 17.1, छपरौली और बड़ौत में ठीक ठाक था, छपरौली में जीते थे 32.5 और बड़ौत में 28.6। फिर आप देख लीजिए लंबी कतार है कॉन्स्टेंसीज की जहां आरएलडी का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बागपत 11%, हापुड़ 2.4, गढ़मुक्तेश्वर 2.5, मेरठ कैंट 1.6, मेरठ साउथ 2%, सिवाल खास 19.8%, यहाँ थोड़ा सा आप सम्मानजनक कह लीजिए लेकिन सीट जीतने की स्थिति में नहीं, सरधना में 1.6, हस्तनापुर में 3%, किठौर में 2.7%, बुढ़ाना में 9.8%, चरथावल में 7%, पुरकाजी में 4%, मुजफ्फरनगर में 2.6, खतौली में 6%, मीरापुर में 11%, मुरादनगर में 2.6 और गाजियाबाद में 1% भी नहीं। और ये है राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति, जिसको जाट लैंड कहकर के लोटियन मीडिया ने पिछले 2 महीने से सिर पर उठा रखा है पूरा आसमान, और ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि बाबा तो गयो, मतलब यही यही चला रखा है ना इन्होंने। इसमें वैसे मैं आपको एक ऐड कर दूं, ये लुटियन मीडिया अकेला नहीं है इसमें। तो मतलब राष्ट्रीय लोकदल की ये हैसियत रह गई है, और वो केवल इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, उनकी बस में घूम रहे हैं। अब तो खैर वो बस से भी उतार दिए जाएंगे क्योंकि अपनी यादव बेल्ट में तो अखिलेश यादव उनको बस में लेकर के जाएंगे नहीं,
जाट बेल्ट में जरूर उनको लेकर के साथ में घूम रहे थे। कलम तो हो जाएगा, बिजनौर और अमरोहा की वोटिंग होते ही खत्म। हाँ, उसके बाद बस से नीचे उतार दिए जाएंगे कि अब आप दिल्ली जाइए, अब आपकी हमें जरूरत नहीं है, आगे हम देख लेंगे जी। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस एरिया में और जिन जिलों में आपने गिनाया है कि यहाँ कितने परसेंट मुस्लिम है, तो उन मुस्लिमों को और जाटों को मिला लीजिए, कोई तीसरी बिरादरी इनके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो मतलब पूरा सफाया। बिल्कुल, ये जो हवा बना रखी है जी, ये बेवजह की हवा भाई। या तो ये बताएं कि 2017 से 2022 के बीच में योगी ने, मोदी ने, इन्होंने कौन से पाप किए हैं कि ये पूरी बेल्ट इनके खिलाफ खड़ी हो गई, या ऐसा कौन सा मतलब जो है सिर के बल खड़े हो गए मतदाता के पूरा जो है यू टर्न ले लिया उन्होंने, मतलब कोई ऐसा बड़ा पाप किया है क्या इन्होंने, मुझे तो नहीं लगता। बल्कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर, गुंडागर्दी के मोर्चे पर, डिलीवरी के मोर्चे पर, हर मोर्चे पर वो मतलब खरे साबित हुए हैं, सफल हुए हैं। तो फिर क्यों इतना, केवल इसलिए कि भाई 13 महीने किसानों के नाम पर यहाँ एक आंदोलन चलाया गया, इसलिए सब नाराज हो गए। तो इसीलिए मैं बार बार शो में ये कहता रहा हूँ कि अगर वो भी कोई फैक्टर है, और अजीत सिंह की मृत्यु भी अगर कोई फैक्टर है, मैं उसको फैक्टर नहीं मानता, क्योंकि अजीत सिंह इतने लोकप्रिय जाट नेता थे ही नहीं कि उसके लिए रातों रात जाटों का हृदय परिवर्तन हो जाए। अगर वो इतने ही लोकप्रिय होते तो 2014 में जब वो हार गए थे और उनको भारत तुगलक रोड से बाहर निकाला गया था मोदी सरकार के द्वारा, तो 2017 में इस एरिया में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए जाट एकजुट होकर के वोट करते, या 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो अजीत सिंह की जो बेइज्जती हुई थी उनका सम्मान बहाल करते, उनको जिता करके भेजते। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया है कि पूरा जो है आसमान सिर पर उठा रखा है, इसको जाट लैंड बता करके एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की तो बैंड बजा दी इस बार जाटों ने। दरअसल संजय जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, आपने बहुत सही कहा लुटियंस मीडिया नहीं, आप इस समय कोई भी आदमी इस समय देश का जो हम लोगों को सुन रहा है वो जाए और वो टाइप करे इंटरनेट पर, लिखे कि जाट राजनीति, जाट लैंड की राजनीति, और आप देखेंगे 2017 शरद गुप्ता जो इस समय सबसे बड़ा सत्य हिंदी से लेके तमाम उस पर आपको दिखाई देगा, जो भाष्य बाँचता है, बीबीसी में है और तमाम चीजें, लखनऊ का बड़ा, मैं तो भाई सीनियर रिपोर्टर मानूंगा एक जमाने में अपने आप को, और उसको बहुत ही बड़ा ये माना जाता है यूके एक्सपर्ट। 2017 की उसकी रिपोर्टिंग बीबीसी में देखिए, जिसमें जो लिखा हुआ है 2017 की, मैं बता रहा हूं, जाट नाराज, बीजेपी का होगा बुरा हाल। फिर एक हेडिंग है उसका, अमित शाह का हिंदू कार्ड नहीं चला। फिर एक हेडिंग है, 3 साल में बिछड़ गए जाट। मतलब ये झूठ का जो कारोबार है वो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीत हार नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि वो ऐसा है जैसे कोई आदमी, मैं बाहर निकलता हूं और मुझे रोज श्राप दे कि तू मरेगा मरेगा, और मैं 95 साल का बच्चों को देखने के बाद मर जाऊं, और उसके बच्चे भी आगे वो मर चुका हो तो भी कहे कि देखा कहा था ना हमारे पिताजी ने, मरेगा तू, वो 12 साल से श्राप दे रहा था। 2013 से कोसते हुई इन चीलों को मांस चाहिए, और चक्कर यह है कि गाय मर नहीं रही है इनके कोसने से। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई वो नहीं, इतना मैं आपको क्लैरिटी से कहूं, लेकिन मैं कुछ चीजों पर हमेशा दृढ़ रहता हूं। जिस तरह से झूठ और मक्कारी आपको दिखेगी, वो इसको ऐसे देखना चाहिए, जैसे आधा उन्होंने कहा, मैं इसको आज सम अप कर देता हूं कि 2014 से पहले, 2013 के दंगे से पहले, उस प्यारे भाईचारे जिसका नाम आपको इस समय हर आरएलडी का वोटर लेता मिलेगा, जिसको मंच पे चढ़ के दोनों जो उम्मीदवार है वो बोल रहे हैं, आप 2013 से लेके 1996 तक जाएं, या ऐसा करते हैं उसको लेके 1985 तक चले जाते हैं, क्योंकि 87 में चौधरी चरण सिंह नहीं रहे, 1985 से लेके आप कभी भी इस पार्टी की अपनी हैसियत ये नहीं रही कि ये 15 सीटें जीत सके। आप तमाम चैनलों को देखेंगे, तमाम चैनल्स की भी बात भी कर रहा हूं, वो लिखते हैं 120 सीटों पर प्रभाव है इनकी, 40 सीटों पर ये जीत हार तय करते हैं,
तो भाई आप 20 पे जीत लेते, जब आप जीत हार तय कर रहे तो 20 में तो जीत लो, 20 में हरा दो, 20 में जीत लो, 20 में हार जाओ। ये 14 सीटें जीतकर ये पार्टी तब आई जब इसको 2002 में बीजेपी ने इसके साथ गठबंधन किया, राजनाथ सिंह उस समय मुख्यमंत्री पद से हटे थे, और तब इसको 14 सीट मिली। इसको लोकसभा में 5 सीट तब मिली जब एनडीए के साथ 2009 में गठबंधन और 7 में से 5 जीती थी। तो और आप इसके वोटों को और देखना चाहें, क्योंकि ओमकार सर बहुत ही मतलब मुझे लगता है डाटा को देख रहे हैं, तो आप देखेंगे ये 15 से 18 लाख के बीच में घूमती है। ये 1.78 जो जनसंख्या का प्रतिशत था उस समय जो 1931 की लास्ट सेंसस में इस इलाके में, जिसको अचानक इन्होंने अब 3-4% कहना शुरू कर दिया। ये समझ में नहीं आया कि बाकी तमाम जातियों ने 1931 के बाद ही नसबंदी का वो जो है शुरू कर दिया था और ये नहीं किया था, इसलिए 3-4% बढ़ गई। ये एकदम मजाक की बात है, माफ कीजिएगा, ये एक ऐसा मजाक है, लेकिन ये मजाक है कि आप 3-4% हो गए, बाकी सब कम हो गए, और इस हिस्से में ये 17% हो गए, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे एक सीट के अलावा। छपरौली एकमात्र सीट है जिसको हमको ये कहना होगा कि वो चौधरी चरण सिंह के परिवार के साथ है, इसके अलावा एक भी सीट ऐसी नहीं है जिस पे कंटिन्यू कोई जाट कैंडिडेट जीतता रहा हो या जिस पर इनके कहे गई पार्टी लगातार जीतती रही हो। ये इनसे ज्यादा ताकतवर अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसने 1993 में अपने इसको शुरू किया था, 66 वो लेकर शुरू किया, 91 से शुरू किए उस कैरियर में, हालांकि मायावती जी जब बिजनौर से शुरू की थी वो अलग बानी है, लेकिन आप ये सोचिए वो इनसे इतनी आगे निकल गई, इन लोगों की इतनी जमानत जब्त हुई थी, बल्कि पिछली बार तो एक जीते, उससे पहले के उसमें भी 18 सीटों पर जमानतें जब्त होती हैं, अगर ये 20-30 पे लड़ते हैं तो उसमें से आधे से ज्यादा पे इनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं, लेकिन ये फैसला करते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा कि ये फैसला करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये झूठ को बोने वाले पत्रकार जो दिल्ली में बैठ के बोते हैं, वो उससे क्या होता है कि एक सामाजिक समरसता वैसे ही खराब होती है, और बीजेपी ने, मुझे भी ये कहने में कोई हिचक नहीं, अभी बीजेपी की बात हो रही है, ये एकमात्र पार्टी है जिसने इस झूठ को बड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इससे पहले 1985 से मैं देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि उस समय से तो रिपोर्टिंग ही कर रहे हैं, तब तो मैं तो स्टूडेंट ही था, ओंकार सर तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी भी पार्टी ने इतनी पैम्परिंग कभी नहीं की, कभी भी 1985 से तो मैं गवाह हूं कि कभी इतना ज्यादा, जितना देश का गृह मंत्री ये ढूंढ रहा था कि कब से मेरे वो कर रहे हैं और कब से ये हैं, इतनी पेम्परिंग कभी भी जाट समुदाय को कभी भी किसी पार्टी ने नहीं की है, जिस पार्टी को वोट नहीं देना है ये तय। इस पार्टी के नेता खुद बात कर रहे थे कि हमको 30-40% मिलेगा, उन्होंने 17 टिकट दिए, उन्होंने इस हद तक पेम्परिंग की कि बाकी कास्टों को लगा कि लो इसी से जिता लो, वोट परसेंटेज कम गया है तो इसके पीछे बहुत सारे कारण है। वोट परसेंटेज को ज्यादा कम नहीं किया, अभी अभी अपडेट हुआ है वो 62.38% और मुश्किल से 1% वोट कम है, तो ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, और खास तौर से जब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो वोट अगर लगभग बराबर है तो मुझे, मैं इसको बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं मानता। लेकिन मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था वो मैंने आपसे गाजियाबाद, बुलंदशहर और ये जो नोएडा है इनके सीटों के बारे में पूछा था, और अब हमारे हम लगभग 53 मिनट हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको शीघ्र वाइंड अप करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत हम फेज टू के बारे में भी बात करनी है। और इससे पहले मैं सारे दर्शकों से ही निवेदन करूं कि जो लोग देख रहे हैं और जो लाइक्स हैं उसमें लगभग 3000 का गैप है, तो कृपया इसे पूर्ण कर दें। जी धीरन जी, आप मुझसे कह रहे हैं, ओंकार सर से कह रहे हैं? मैंने आपसे आपसे पहले इन तीनों के बारे में पूछा। देखिए तो गाजियाबाद में मंजू सिवाज जैसी कैंडिडेट बीजेपी के पास है, तो उसका जीतना योगी जी के चमत्कार के पास होगा, क्योंकि योगी जी चमत्कार दिखाएंगे तो वो जीत जाएगी, है ना, वरना तो इस तरह के कैंडिडेट्स को लोनी में बहुत ही मुझे कहना चाहिए बहुत ही कम संभावनाएं हैं बीजेपी की, क्योंकि वो उसका अपना विरोध है, उसके अपने कार्यशैली को लेकर है, और मदन भैया को, ये हमारी सोसाइटीज में चाहे वो कोई भी कास्ट हो उसमें एक बड़ी टेंडेंसी है कि वो बड़े बदमाश को बड़ी ताकत से देखती है, उसको लगता है कि ये जाति के स्वाभिमान को और ऊंचाइयों पे ले जाएगा, तो वो मदन भैया उसमें बड़ा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने बड़े गुजर को जो है बहुत ही ताकत देने की कोशिश की, और तमाम स्वच्छता की बात के बावजूद मुझे लगता है कि वहाँ टफ मामला है,
इसके अलावा बाकी सीटों पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कतें बीजेपी को आ रही होंगी। एक सीट पर मोदी नगर आरएलडी का मुझे लगता है कि वो भी मोदी नगर की मैं बात कर रहा था, और इसके अलावा मुरादनगर पर थोड़ा फंसा हुआ मामला है, लेकिन बाकी सीटें मुझे लगता है कि क्लीन दिख रही हैं। ये मेरा इस पर गाजियाबाद को लेकर आकलन है। नोएडा की सीटें लोग वो कह रहे हैं कि साहब बहुत ही ताकत के साथ उसने लड़ा है और धीरेन्द्र हार रहा है वहाँ उसमें जेवर में, लेकिन मुझे लगता है कि वो अच्छी फाइट होगी, बहुत ही कम अंतर से होगा या बीजेपी के हक में जाने की ज्यादा है। नोएडा में बहुत ही कम हुआ वोटिंग और मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी के बेटे इससे ज्यादा डिजर्व भी नहीं करते हैं, लेकिन वो जीत जाएंगे। इसके बावजूद वो जीत जाएंगे कि उनको जनता में से शायद ही किसी आदमी ने उनको देखा हो, और अजनबी कौन हो तुम, किसने तुम्हें देखा है, बहुत इंटरेस्टिंग गाना उनके लिए समर्पित है मेरी तरफ से, नोएडा की जनता के लोगों की तरफ से। और एक जो सीट है उसको मुझे लगता है दादरी पर भी एक अच्छी फाइट हम लोग देखेंगे, लेकिन वो तीनों सीटें आज की डेट में अगर मुझे देना हो तो मैं बीजेपी की तरफ दूंगा बिना किसी उसके। और तीसरा आपने एक और बुलंदशहर में बीजेपी को निसंदेह चार सीटें मुझे लगता है कि दे देनी होंगी, शिकारपुर भी उनके पास अच्छे हैं, लेकिन उस पर फंस रहा है मामला जो ट्रॉली में जो उनका खुद उनका कल्याण सिंह जी का जो पोत्र है वो संदीप बहुत ही जो मंत्री भी है काफी टफ फाइट में है और मुझे लगता है कि फंसी हुई मामले में है, तो वहाँ भी ये सब जिले इस तरह के हैं। और आगरा इन्हीं तीन जिलों पर है ना, या आगरा वगैरह की तरफ भी आप जाना चाह रहे हैं मथुरा? हाँ नहीं, अभी तो हम आप अलीगढ़ मथुरा और आगरा की हम बाद में बात करेंगे, अभी तो हमें इन्हीं तीन डिस्ट्रिक्ट। मुझे लगता है कि इसमें मैंने आपको बताया कि ये सब जी ओंकार जी जरा थोड़ा सा संक्षिप्त में। नहीं, गाजियाबाद की तो देखो ये तीनों जगहों की, गाजियाबाद की, नोएडा की और बुलंदशहर की 15 सीटें हैं ये, और ये 15 की 15 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो एक तो मैं सहमत हूँ धीरेन्द्र जी से, दादरी वाली सीट और दूसरी मोदीनगर वाली सीट, ये दो सीटें थोड़ी सी फाइट में हैं, संदेह के घेरे में हैं, बाकी सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसमें किसी को कोई संदेह है नहीं। यही हाल नोएडा गौतम बुद्ध नगर का है, और बुलंदशहर में मेरी दो दिन पहले बातचीत हुई थी अमर उजाला के, वहाँ पर बहुत लंबे समय तक संवाददाता रहे अशोक गोयल, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, वो कह रहे थे कि डिबाई बुलंदशहर जो लोकल सिटी की है, और एक सीट उन्होंने और बताई थी, मैंने कहीं नोट की है, मुझे दिखाई नहीं दे रही, कि तीन सीटों पर फाइट है, बाकी चार सीटें तो एकदम क्लियर हैं। और उनका ये भी कहना था, ये जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन आफ्टरनून में मेरी बात हुई थी, उनका कहना ये था कि सर ये तीन सीटें जहां अभी फाइट दिखाई दे रही है मतदान के समय, ये भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लियर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो बुलंदशहर में भी जो आंकड़े आपने भी दिए हैं मुस्लिम्स के, और साथ में जो हमारी जाट सेना है इनकी आरएलडी की, उसको भी अगर उसमें जोड़ लें तो भी भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में कहीं कोई बाधा दिखाई दे नहीं रही। अभिषेक जी, सर मोदी नगर में आरएलडी जीत रहा है, और एक जगह दादरी में फाइट जरूर है, लेकिन दादरी में मैंने बीजेपी को ही अपर एज दिया है। इसके अलावा नोएडा में पंकज सिंह जीत रहे हैं, बाकी कुछ ज्यादा बात करने लायक है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ बदला नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ओमकार सर और धीरेन्द्र सर चूंकि वहां के लोकल हैं तो अलग नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन मैं बिहार से आया हूं तो मेरे पास जो डेटा और आंकड़े हैं वो थोड़े से अलग मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कैंडिडेट वाला वो जो उतना, जैसे कि पंकज सिंह को लेकर के, हाँ ठीक है अजनबी कौन हो तुम, किसने तुम्हें देखा है, बिल्कुल सही बात थी, लेकिन फिर भी वो जीत रहे हैं और कम वोटिंग में भी जीत रहे हैं। अब सर एक लोनी बताइए, लोनी, हाँ लोनी बता रहा हूँ सर, लोनी में मेरे ख्याल से तो मदन जी लास्ट में निकल जाएंगे, लोनी मेरे हिसाब से, हालांकि अब तो सूचनाएं आ रही कि स्टाम्प पेपर पे रख रख के चैलेंज लगा जा रहा है, चैलेंज लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हो रहे हैं दो पक्षों को लेकर के, लेकिन लास्ट में मेरे ख्याल से मदन जी लेकिन सट्टा बाजार ने भाव गिरा दिए हैं उसके, क्या मतलब है,
अब सीटें गिरा दी हैं समाजवादी पार्टी की। मैं वही बोल रहा हूँ सर, देखिए मैं दो चीजें बोल रहा हूँ सर। जो आरएलडी की हिसाब से 15 सीटें हैं, उन 15 सीटों को छोड़ दे तो 1% का मात्र वोटिंग परसेंटेज गिरा है, ऐसा क्या बदल गया? नहीं, अब पहले हम इसको शॉर्ट रखेंगे अब, क्योंकि अब बहुत समय हो गया, तो फेज टू के बारे में भी मैं थोड़ी बात करनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास बचती हैं अलीगढ़, मथुरा, अलीगढ़ में इगलास, छाता, मांड, ठीक है। तो मेरे विचार से बहुत कुछ यहाँ डिस्कस करने को नहीं है, कोई फंसी हुई सीट है तो वो बता दे, या कोई बहुत बड़ा कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो बता दे। ओंकार जी, कोई मांड को लेकर डाउट में है क्या? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लोनी में जो आप कह रहे हो ना कि मदन जीत जाएगा, मदन नहीं जीतने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं जीतने वाला है। देखो लोनी में आरएलडी को 2017 में कितने वोट मिले थे? 42,539। समाजवादी पार्टी को कितने मिले थे? 42,302। और भारतीय जनता पार्टी को कितने मिले थे? 1,13,088। इन दोनों के मिलाकर के भी 1,00,000 क्रॉस नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन आपको बसपा को भी जोड़ लीजिए उसमें, अभी बसपा को जोड़िए क्योंकि मुस्लिम वोट आखिल को नहीं मिल रहा है। बसपा लड़ नहीं रही है इस बार, ढंग से नहीं लड़ रही है। नहीं, लेकिन वही बात है ना सर कि वो मुसलमान वोट वहां पे ये हुआ है, इसी वजह से मैंने जोड़ा था। तो लोनी भी भारतीय जनता पार्टी की मैं क्लियर मान के चलता हूँ। अच्छा, आप क्लियर मान के चल रहे हैं, मैं सर आगरा की मैं बता दूं अपनी बात बिना इफ बट की, आगरा 9 की 9 क्लियर है सर बीजेपी। मेरे पास भी यही सूचना है ओंकार जी, किसी और का कोई डिफरेंस हो तो बताएं। बेबी रानी मौर्य भी जीत रही है क्या? बेबी रानी मौर्य निकाल रही है सीट वहाँ कोई। हाँ, बेबी रानी मौर्य तो मैं सुना उनको वहाँ पर लोकल जो है उनको अगला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके लोगों ने उनके चुनाव लड़ा है। वहाँ बीजेपी को 3 सीटें खोनी पड़ेंगी, एक तो खैरागढ़, वहां से कांग्रेस का एक कैंडिडेट जीतता हुआ दिख रहा है रघुनाथ फौजी जो है, उसको बहुत जबरदस्त वोटिंग हुई है। और दक्षिण जो आगरा दक्षिण है वो भी बसपा के, आगरा दक्षिण तो बेबी रानी मौर्य है ना? हाँ, नहीं तो, वो ग्रामीण से है, वो ग्रामीण से है। मैं मेरे विचार से इसमें जो बसपा की तरफ है वो कैंडिडेट उस तरफ है। और एक और सीट है जो मैं भी देख रहा था, मैं लिखा था चूंकि मैं भी होटल में हूँ तो मैं उसको निकाल नहीं पा रहा हूँ, चूंकि मुझे लगता है 3 सीटें वहां जा रही, ऐसा मुझे लगता है। अलीगढ़ तो इस बार आपने देखा होगा जो सभाएं हुई हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाबूजी ही कहकर के संबोधित किया है कल्याण सिंह को। अमित शाह ने भी बाबूजी ही कहा है, योगी जी ने भी जो है बाबूजी कहकर के संबोधित किया। उनके नाम पर तमाम तरह के संस्थान इंस्टीट्यूट उनके नामकरण किए गए हैं। और अलीगढ़ में जाहिर है सबसे बड़ी फिगर तो अगर कोई थी तो वो कल्याण सिंह ही थे, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलेगा। और पिछली बार भी हमें नहीं बोलना चाहिए, 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो कोई बड़ा परिवर्तन इस बार हो रहा हो ऐसा लगता नहीं है। हाँ, जो लंबी लंबी लाइनें और दो दो आई कार्ड लेकर के लाइनों में लगे हुए थे वो तो शुरू से सुबह से लग गए थे, लेकिन उससे क्या बदलाव होगा? वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते थे, इस बार भी नहीं किया है, और उनके साथ और कौन से वोट इंक्लूड हुए होंगे? या राष्ट्रीय लोकदल जो है वो उसकी लोकप्रियता क्या 7वें आसमान पर पहुंच गई है कि 2017 में उसको जितना वोट मिल रहा था अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ में क्या तीर मारेगी? अलीगढ़ में कोई स्कोप नहीं उनका, मथुरा में हो सकता है। मथुरा बताइए, मथुरा में भी संजय जी 5 सीट आप देखो ना, मथुरा में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी, 1 सीट बीएसपी जीत गई थी,
तो बीएसपी इस बार कोई बहुत अच्छा कर नहीं रही है, कहीं भी नहीं कर रही है। मथुरा में भी यही हाल दिखाई दे रहा है। बाकी जमीन पर क्या है ये तो धीरेन जी बताएंगे, क्योंकि वो मथुरा होकर के आए हैं। जी धीरेन जी बताएं, मथुरा अलीगढ़ आठ में अभी भी श्याम सुंदर शर्मा जो है अपनी सीट निकाल ले जाएंगे। लास्ट में बहुत टफ मुकाबला है, लेकिन वो पिछले 7-8 बार से तमाम विरोध को, हालांकि जो मांट में काफी वोटर्स, जो जाट वोटर्स बहुत ज्यादा संख्या में है, वो उनको हर बार हराने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, लेकिन लड़ाते हैं और मामला नहीं बैठता। तो वो मामला बैठता नहीं है। इस बार 9 बार का टिकट कटा है, क्योंकि इसका शुरू में विरोध दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फिर बाद में वो पार्टी के साथ चले गए। तो मुझे लगता है इसके बावजूद होगा श्रीकांत शर्मा निकाल लेंगे सीट। श्रीकांत शर्मा को मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। इसके अलावा भी जो 2 सीटें हैं उसमें से 1 सीट पर बसपा के जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो बसपा की तरफ जा रहे हैं पूरे ताकत के साथ, लेकिन उससे बीजेपी का कितना खेल बिगड़ेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी तो मुझे लगता है छाता और वो जो सीटें हैं उन पर, हाँ वहाँ वो फतेहपुर सीकरी पर हम लोग बात कर रहे थे, आगरा वाली 1 सीट को जहाँ तक मुझे याद आ रहा अभी। और इसके अलावा अगर हम लोग अलीगढ़ में जाएं तो अलीगढ़ में मुझे लगता है कि 2 सीटें शायद इस बार बीजेपी को लूज कर पड़े। बसपा का और कौन कैंडिडेट है ब्राह्मण कैंडिडेट? ये गोवर्धन वाला सीट बोल रहे हैं क्या सर? गोवर्धन पे ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण गोवर्धन, गोवर्धन वाला सीट ना, राजकुमार रावत है, रावत हाँ वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, हाँ वो ब्राह्मण है। आप रावत समझ के मेरी तरह मत कंफ्यूज होइए जब मैं वहां गया। नहीं, गोवर्धन वाली सीट पे मैंने भी बीएसपी और बीजेपी में फाइट दिया है सर। है जब मैं वहां गया तो गलती से सीधा ब्राह्मणों के गांव में ही चला गया, वो पूरा गांव ब्राह्मणों का था, तो मैंने शुरू किया तो उन्होंने एकदम बताना शुरू कर दिया कि पूरी सरकार ने बर्बाद कर दिया, जानवरों ने पूरा नरक कर दिया है। तो मैंने पूछा कि भाई फिर कौन अच्छा करेगा, तो उन्होंने कहा कि बसपा बहन जी बहुत अच्छा करती है। तो मैंने कहा कि यार समझ में नहीं आई मुझे बात, तो अचानक कहने लगे और पंडित जी खड़े हैं ना, तब और क्या है। तो वो जो है तब मैं समझा, मैंने कहा कि ये क्या कहानी है। तो जातिवाद तो हम लोगों का रगों में है, तो वहां पंडित जी के गांव में जाने के बाद मुझे समझ में आया कि राजकुमार रावत जी पंडित जी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो हमारे घर में भी बार भी खड़े हुए थे, हार गए थे, 33,000 की मार्जिन थी, हार गए थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीत रहे, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, वो मैं कह रहा हूँ मार्जिन 33,000 की थी, वो कहाँ से कवर होगी सर? अब इनके पिछली बार के मार्जिन और अब के मार्जिन हमको बहुत सारी चीजें 10 मार्च को उल्टी भी दिखेंगी। मार्जिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो पलट जाएगा, लेकिन मार्जिन जीत के घटेंगे अंतर, वो बहुत, वो तो है सर, वो उस तरह का अंतर इस बार नहीं होगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि इसीलिए इस तरह के ऑडियो इस समय चल रहे हैं कि मैं शर्त लगा रहा भाई साहब बीजेपी उड़ गई, 50 आ रही है। फिर वो दूसरा जो आदमी ऑडियो में बोल रहा, दूसरा जो अधिकारी नुमा बात कर रहा है, वो कह रहा कि नहीं हमें तो 55 लग रही है। तो मुझे लगा कि ये 3 किसको दे के जा रहे, क्योंकि फिर याद आया कि अरे 400 भी तो देनी थी, 3 उनको छोड़ी हुई है, तो 3 ये परंपरा में छोड़ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा फेज 2 के बारे में बात कर लेते हैं, जो फेज 2 ऐसा लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के अत्यधिक अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर बम्पर जनसंख्या मुस्लिमों की, लेकिन जाट नहीं है यहां पे खास, बिजनौर छोड़ के और थोड़ा बहुत अमरोहा छोड़ के, अमरोहा में जाट, बिजनौर में जाट है। जाट नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा और आसान हो जाएगी, और उस लुटियन मीडिया के लिए कयास लगाना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए संजय जी, 55 में से 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी उनके पास थी पिछली बार बीजेपी, 38 जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, और केवल 15 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी यहाँ से, और केवल 10 मुसलमान कैंडिडेट जीते थे 55 में से। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए समाजवादी पार्टी, और यहाँ पर ध्रुवीकरण जबरदस्त होगा, बिल्कुल। आप सहारनपुर में बैठे हैं धीरेन जी? हाँ ध्रुवीकरण है, ध्रुवीकरण तो ऑटोमेटिक ही है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए, मैंने एक वो भी किया था कल, जनरली आजकल मैं उसी काम पे काम कर रहा हूँ, जो मिथ जो बने हुए उनको कैसे देखा जाए। तो उसमें से एक ये था कि हिंदू ध्रुवीकरण
ये एक ऐसा ध्रुवीकरण नाम दिया हुआ है जो आज तक कभी हुआ नहीं है, लेकिन मुस्लिम ध्रुवीकरण को छिपाने के लिए इस शब्द का हमेशा से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हिंदू ध्रुवीकरण का मतलब यह है कि आपको किसी ना किसी चुनाव में 70% से ऊपर वोट मिलना चाहिए जिस पार्टी के प्रति ध्रुवीकृत हुआ हो। बीजेपी 2017 में 38% के करीब वोट लेके आती है, तब भी ध्रुवीकरण नहीं हुआ। 91 में बीजेपी 32% में आती है, जबकि 89 में मुलायम सिंह गोली चलवा चुके कार सेवकों पर, उसके बावजूद वो ध्रुवीकरण 32 तक आता है। इसके बाद आप 93 में, हालांकि उस समय सरकार बनी, 93 में आप ध्रुवीकरण हिंदुओं का बोलते हैं, और आप तमाम चीजों को देखते हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात पे शुरू करती हैं कि ये ध्रुवीकरण कर रही है, बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है, लेकिन आज तक लोकसभा चुनाव आप छोड़ दीजिए जो अभी यूपी का हुआ जिसमें 51% तक पहुंचा वोट शेयर, आज तक कभी भी हिंदुओं की जनता, क्योंकि तो इसको इन पत्रकारों की अगर हम मान लेते हैं या नेताओं की, तो उसमें यादव हिंदू नहीं है, जाट हिंदू नहीं है, बाकी तमाम लोग हिंदू नहीं है, तो ये एक ऐसा झूठ है संजय जी जिसको हम लोग मानते हैं, लेकिन मुस्लिम ध्रुवीकृत है वो हर बार। बट गया अलग शब्द है, ध्रुवीकरण अलग शब्द है, बट गया इसलिए क्योंकि उसको लगता है बीजेपी को ये हरा रहा है, बीजेपी को ये हरा रहा है, वो बीजेपी के लिए खिलाफ ध्रुवीकृत है, ध्रुवीकरण इसी को कहा जाता है। और इस बार वो क्लैरिटी के साथ एक तरफ वोट कर रहा है, ध्रुवीकरण उसका हमेशा होता है, और वो दूसरी तरफ वोट कर रहा है। हम लोग जब देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है उस पर्टिकुलर सीट पर कि हिंदू ध्रुवीकरण हुआ है, ऐसा किसी सीट का वोट परसेंटेज आपको नहीं बताता। कुछ जातियां जरूर इकट्ठा होती है, हम उसको, अगर आप इसको ध्रुवीकरण कहते तो इसको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जो 2014 में जिस जाट को आपने कहा ध्रुवीकृत हुआ, 2017 में जिस जाट को आपने ध्रुवीकृत माना, तो अचानक वो जाट अचानक कैसे सपाई वो हिंदू नहीं रह गया क्या अचानक वो? इसीलिए जातियों का होता है ध्रुवीकरण, यहाँ मुस्लिम वोटर का है, हिंदुओं का ऐसा कोई ध्रुवीकरण नहीं, वो जातियों के साथ है। कहीं धर्म सिंह सैनी ये कह रहा है कि राम मंदिर के नारे लेके जो सभा में होता है मुझे मत चिढ़ाइए, या वो ये कह रहा है कि जो मुसलमान सपा को वोट नहीं देगा वो मुसलमान नहीं है, तो ये सब चीजें मुझे लगता है ये शब्द ध्रुवीकरण का जो गढ़ा गया हिंदुओं का, वो एक दूसरे पाप को छिपाने के लिए शील्ड तैयार की गई। मैं आपसे एक स्पेसिफिक, क्योंकि इस समय हमारे पास काफ़ी समय हो चुका है, मैं दर्शकों से भी माफ़ी चाहता हूं कि मैं प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं जैसे एक आपकी ये नकुड़ विधानसभा सीट है सहारनपुर की, और इसमें 50% से अधिक मुस्लिम हैं, और बीजेपी तो हिंदू कैंडिडेट है ही, लेकिन समाजवादी ने भी धर्म सिंह सैनी को टिकट दिया है, और बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, ये कौन सी कैलकुलेशन है? देखिए एक चीज आप ये जान लीजिए, इस बार इस पर शायद हम लोगों की कोई वो नहीं हुई है, स्ट्रीम नहीं हुई है, हम लोगों ने नहीं किया। इस बार 1989 के बाद उत्तर प्रदेश की, चूंकि जितना मैं जानता हूँ उससे ज्यादा आप कहीं जानते हैं, सिर्फ राजस्थान में आप जॉब कर रहे हैं, आप यहीं के हैं, मतलब कर रहे थे, इसीलिए हम लोग यही मानते हैं कि मैं तो अवध का हूँ। देखिए हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अवध के हैं, तो इसलिए इस पूरे इलाके को भी उतना ही जानते हैं ना, मैं यही कह रहा हूँ। तो आप ये सोचिए 1989 के बाद मुस्लिम लीडरशिप में जो बदलाव आया था 30 साल से, पिछले 3 दशक से वो मुस्लिम चेहरे यहाँ पूरी पॉलिटिक्स को गवर्न कर रहे थे। अखिलेश यादव ने इस बार ये काम किया है, उन जमे हुए चेहरों को अलग कर दिया, क्योंकि अखिलेश यादव को ये पूरा यकीन है कि मुस्लिम वोट किसी कीमत पर उससे अलग नहीं जा रहा। और ये बात मैं कहूंगा कि जितनी जगह हम पहुंचे हैं उन्होंने ये कहा कि हमको किसी और चेहरे से कोई मतलब नहीं, हम वोट अखिलेश को दे रहे हैं। लिहाजा अखिलेश ने ये बहुत अच्छा पॉलिटिकल मूव है कि उसने तमाम जगह, आप ये सोचिए इमरान मसूद, आप उसको, उसका टिकट, उसका दामाद, उसका टिकट, इसके बाद कादिर राणा, हाजी इकबाल, ये तमाम लोग, नूर सलीम राणा, इसके बाद हाजी अखलाक और याकूब, है ना, शाहिद अखलाक उसके पिता नहीं रहे ना शायद, हाजी अखलाक, हाँ, वो तो गुजर गए थे, उनका इंतकाल हो गया। तो वो जो आप ये सोचिए पूरी बदली हुई मुस्लिम लीडरशिप होगी इस बार जो आ रही है,
इसीलिए अखिलेश ने वो तमाम चीजें की, क्योंकि उनको सैनी वोटर्स वहां चाहिए, इसीलिए मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है। बसपा ने मुस्लिम वोटर्स को खींचने के लिए कोशिश की है, इसीलिए आप देखेंगे ज्यादा लड़ाए हैं। इसके बावजूद मुजफ्फरनगर की वोटिंग का पैटर्न जो कह रहा है उसमें अखिलेश ज्यादा सफल है। उनके कैंडिडेट पूरे मुजफ्फरनगर में इस बात को लगातार लोग कहते रहे कि 6 में से एक भी टिकट कभी नहीं दिया, और ऐसा कभी नहीं हुआ, आप कभी गौर कीजिए, लेकिन मुस्लिम वोट एक मुश्त जा रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि वहां क्यों किया, ये अखिलेश ने तमाम जगह किया है, जहां भी मुस्लिम वोट थे उसने उसको। चलिए हम आप लोगों का अनुमान ले लेते हैं क्योंकि समय काफी हो गया है, तो अनुमान दे दें पूरी सीटों का और डिस्ट्रिक्ट वाइज दे दें तो और भी अच्छा होगा। मतलब पहले फेज से या दूसरे फेज? दूसरे में पहले की तो चर्चा हो गई ना पूरी। सर दूसरे में मेरे लिए कुछ खास बदला नहीं है, मैंने अभी भी 33 ओवरऑल 33 से 35 रखा है बीजेपी। अब वोटिंग के बाद मैं एग्जैक्ट बताऊंगा क्या हो रहा है। जी ओंकार जी, देखिए मुरादाबाद में 4 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, इसमें कोई बदलाव होगा मुझे तो लगता नहीं, और कोई एक आध सीट का हो जाए तो हो जाए, यानी एक मेरी सूचना यह है कि ये आंकड़ा उलट सकता है। मेबी कितना उलट? 2-4 से 4-2। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए संजय जी के यहाँ 40-55% तक मुस्लिम मतदाता हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो वो एक फैक्टर रहेगा, और मुरादाबाद में जाट भी हैं, तो अगर वहाँ के जाटों के भीतर भी छपरौली थोड़ी बहुत जागी तो थोड़ा बहुत फायदा इनको मिल सकता है वहाँ पे। मुरादाबाद में ये फैक्टर है कि 40-55% मुस्लिम हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो एक आध सीट का ऊपर नीचे हो सकता है, पर ज़्यादा बदलाव मुझे होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। बाकी तो मतदान के बाद ही पता लगेगा कि वहाँ से क्या रिपोर्ट आ रही है। अब बिजनौर की अगर हम बात करें तो बिजनौर में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 समाजवादी पार्टी के पास थी, और बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी फॉलोइंग है, अच्छी खासी उसकी जो है पैठ है, तो बिजनौर में भी क्या बदलेगा? वहाँ तो बल्कि मुरादाबाद के मुकाबले जो मुस्लिम संख्या है मतदाताओं की वो कम है, 35-50% के बीच उसकी संख्या है, और 6 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी ने बिजनौर में निकाली हुई हैं तो कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा बदलाव वहाँ भी होगा। रामपुर में जरूर हम कह सकते हैं कि लोग ये देखना चाहेंगे कि आजम खान के जेल में रहते हुए उनका पानी उतर रहा है या जस का तस है, क्योंकि वो जेल में रहते हुए ही चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बेटा भी लड़ रहा है सुहार सीट से, तो वहाँ भी अगर हम देखें तो 5 में से 2 सीटें फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी 2017 में, 3 समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी। और अगर दूसरे जिलों की बात करें, संभल पर सबकी निगाहें रहेगी, क्योंकि वहाँ असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार की तरह उनकी काट की हांडी चढ़ती है या नहीं चढ़ती है ये सब देखना चाहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में बस एक ही सीट थी जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सेकंड नंबर पर थी, तो इस बार देखना है कि संभल में वो कोई गुल खिला पाते हैं या इस बार मुसलमान उनको टाटा बाय बाय कहकर के समाजवादी पार्टी की तरफ ही रुख करते हैं। नहीं, वो लेकिन वोट मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं इस सीट पे यही, क्योंकि वो वोट उनका नहीं था, वो वोट संभल में उनका नहीं था, वो शफीकुर रहमान बर्क का बेटा लड़ा था जियाउर रहमान, तो वो उसका अपना हमेशा 48,000-50,000 वोट है, वो उसका उनको आप ये गिन लीजिए, संभल में 1,000 वोट नहीं मिलेगा। लेकिन संभल में ध्रुवीकरण हुआ था जमकर के, पिछली बार भी 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी तो 2 भारतीय जनता पार्टी ने भी जीत ली थी। बरेली में तो 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, वो बरेली तो आते ही वो फिर वहाँ पे जो है वो अलग हो जाती है, जो डेमोग्राफी है वो बरेली से, यानी बरेली पीलीभीत शाहजहानपुर हालांकि हैं यहाँ मुस्लिम ठीक संख्या में, लेकिन उनके कारण ध्रुवीकरण तो होता है लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो जीत सके।
वहाँ 30 से 40% मुस्लिम है। पीलीभीत तो शायद चौथे राउंड में होगा, लेकिन बरेली शाहजहानपुर जो है ये दोनों सेकंड राउंड में हैं। और इसमें क्योंकि मैं शाहजहानपुर में रहा हूँ, मुझे उस क्षेत्र की अच्छी जान। आपका माइक म्यूट हो गया संजय जी। तो हाँ, वहाँ जो है कोई विशेष परिवर्तन की गुंजाइश मुझे नहीं दिख रही। हाँ, रामपुर में जरूर मैं कहूँगा कि बिलासपुर की सीट इस बार थोड़ी सी फंसी हुई है बीजेपी के लिए। इस बार ये दो सीटें जो जीते थे वो दोनों इस बार भी जीत जाएं ऐसा आवश्यक नहीं है। खासतौर से बिलासपुर में तो ये किसान आंदोलन का जो इफेक्ट है वो बिलासपुर में बहुत था। ये पूरी उत्तराखंड से लगी हुई और यहाँ पर सिख मतदाता काफ़ी संख्या में है। मार्जिन काफ़ी था, 22,000 से जीते थे, लेकिन इस बार थोड़ा जोर आएगा इसमें। और ये है, अभिषेक जी आप क्या कह रहे हैं? सर रामपुर में मैंने बीजेपी को एक भी सीट नहीं दिया इस बार सर। और तो एक चीज में, हाँ मैं एक एक चीज क्लियर कर दूं सर, जो ट्रेंड रहा है पहले फेज में अगर वोटिंग का, अगर हिंदू वोट इस बार कम पड़ा 1% भी, तो बीजेपी को 5 सीट का नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है लेकिन पिछली बार नहीं हुआ लेकिन इस बार हो जाएगा। इसलिए डिपेंड करता है, वो देखना पड़ेगा सर कि हिंदू कितने वोटर निकले, कितना परसेंट मतदान हुआ, क्योंकि एक आलस नाम की भी तो चीज है ना सर। बीजेपी के वोटर फिर वही कहेंगे कहाँ दिल्ली से जाएंगे सहारनपुर वोट करने, मुरादाबाद वोट करने, रामपुर वोट करने, वो सब वाली चीज भी है। तो कैमरे पे कुछ लोग बोल भी देते हैं कि मेरे फैमिली में 5 मेंबर है, पता चला कि वोट 3 लोगों ने ही दिया। लेकिन मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं है, अगर उसकी फैमिली में 7 मेंबर है, जैसा कि धीरेन्द्र सर ने बोला कि पेट वाला छोके, तो बाकी सब 7 का 7 एक तो पैन कार्ड भी लिया है, वो आधार कार्ड भी लिया है, वो वोटर आईडी कार्ड भी लिया है, कि मतलब ये वाला अगर तुम खारिज करोगे तो ये पहले से मैं पकड़ा के रखा हूँ। तो इतनी जागरूकता अगर किसी में वोटिंग के लिए है तो ये तो मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार से वो योगी जी को हराने के लिए लड़ रहे हैं इस बार चुनाव, समाजवादी पार्टी से ज्यादा चुनाव मुसलमान लड़ रहे, ये चुनाव जो है मुसलमान ज्यादा बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी हारी तो मुसलमान उसको एक वर्ष से छोड़ देंगे और बीएसपी पे चले जाएंगे। सर एक और चीज है धीरेन्द्र जी कुछ जो पता नहीं धीरेन्द्र सर ने ट्रैक किया है और ओमकार सर ने, मैंने कई जगह दो चीज देखा है। कांग्रेस में इस बार जो है अगर सपा सरकार नहीं बनाती है तो आप एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखेंगे और वो शिफ्ट कांग्रेस की तरफ होगा मुस्लिम वोटर्स का। जी मेरे ख्याल से एक चीज और देखना पड़ेगा सर, मैं अपने एक सेकंड इस पर बहुत तो मैंने देखा है कि बीएसपी का कोर वोटर पता नहीं क्यों कैमरे पर भी और ऑफ कैमरा भी ये बात कर रहा है कि जहां वो कमजोर है वो बीजेपी को वोट कर रहा है, मतलब जहां बीएसपी कमजोर है। अब ये क्यों हो रहा है हमारे डेटा के अनुसार या हमारे पास जो रिकॉर्ड है ये क्यों शिफ्ट हो रहा है वोट, ये मुझे देखना पड़ेगा सर और खुल के समझ में आएगा कुछ दिन बाद कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चंक वोट सर इस बार बीजेपी को गया है, ये पहले फेज में नहीं वोट। जी अब अंतिम कमेंट ओंकार जी से लेके धीरेन्द्र जी नहीं बोले अभी तो धीरेन्द्र जी से ले लेते हैं, ओवरऑल बता दीजिए। मुझे लगता है कि बीजेपी इस बार थोड़ा सीट लूज करेगी इसमें, 38 थी उसके पास लेकिन वो अभी इस बार 25 से सीट के करीब जाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, क्योंकि अभी मैं उसका समय नहीं बना मैं आपको ये पढ़ के बताता, जिसमें दूसरे तीसरे वोटर्स जो है मुस्लिम कैंडिडेट थे दो दो कई जगह हुआ। और इस बार चूंकि यहाँ बहुत ज्यादा आबादी की जगह पर भी वहाँ मुरादाबाद में या उसमें तमाम अगर हिंदू वोटर्स उस समय जीत गए तो हिंदू कंसोलिडेशन वहाँ दिख रहा था, उन तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर वोट उन पर्टिकुलर सीट्स पर किया, लेकिन वो मुस्लिम वोटर वहाँ बटे जो इस बार बटना बहुत मुश्किल दिख रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा सीटों में चेंज आएगा, जरूर आएगा, और कुछ सीट मुझे लगता है कि बरेली भी लगभग सारी सीट नहीं जाएगी, बरेली में भी एक दो सीट लूज करेगी, ऐसे करके बीजेपी इस बार 38 में से कई सीटें लूज करेगी और मुझे लगता है 25 से 30 के बीच में उसको रहना होगा।
वो सीट लूज करेगी। जी अंतिम कमेंट ओंकार जी का और उसके बाद फिर हम स्ट्रीम बंद करेंगे। थोड़ा ज्यादा कम कर दी धीरेन जी, कुछ सोच लो। मुझे लगता है कि 30-32 सीटें तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी की इस फेज में भी कहीं नहीं गई, 30-32 सीटें तो वो ले आएगी। 55 में से 30-32 सीटें 35 तक भी जा सकती है, मतलब मैं 25 तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इस इलाके में जो मुस्लिम वोटर है वो कुछ ही सीटों पर निर्णायक स्थिति में है, सब पर नहीं है। वरना अगर आप देखें तो आप जाएंगे बदायूं में, यादव वोटर पिछली बार बीजेपी की तरफ था, मतलब काफी जगह पर, मतलब हो सकता है हम लोग अपना आकलन में माफ कीजिए। जी 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 तो इसी के साथ अब हम इस स्ट्रीम को विराम पर लाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लगभग 6,000 लोगों ने इसको ऑनलाइन जुड़ते हुए देखा है, जो इस समय देख रहे हैं 5,936 वॉचिंग नाउ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक लाइक का बटन अवश्य दबाते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम। फेज टू के बाद फिर मिलेंगे, और तुरंत नहीं मिलेंगे, 2-3 दिन रुक के मिलेंगे। जय हिंद, मिलेंगे अपने चैनल पे। वंदे मातरम। जय श्री राम। बेल आइकॉन जाते जाते दबाते जाइएगा। Press the bell icon on YouTube and don't miss out.